हे गाइस, तो आज हमारे पास है बजाज पल्सर N160 जो कि आप राइट साइड में देख पाएंगे और इस साइड देखें जो कि आपको बजाज पल्सर NS160। तो आज हम लोग दोनों ही बाइक के बीच में आपको डिफरेंस बताने वाले हैं कि आपको क्या क्या अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों ही बाइक में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है और अभी के टाइम पर आपको कौन सा बाइक लेना चाहिए और आपके लिए कौन सा बेस्ट होने वाला है वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चाहे प्राइस के मामले में हो, चाहे कुछ भी हो, हर एक कुछ के बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे दोनों ही बाइक के बीच में। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। ये जो बजाज पल्सर N160 का देख रहे हैं जो कि आपको ब्लू कलर, ये आपका टोटली न्यू कलर है, इसका डिटेल रिव्यू आपको चैनल पर मिल जाएगा। और इधर आपको NS160 देख रहे हैं, इसका भी आपको डिटेल रिव्यू चैनल पर मिल जाएगा। तो दोनों ही बाइक के फ्रंट से शुरुआत करें तो दोनों ही बाइक का फ्रंट लुक देख पाएंगे जो कि एग्रेसिव रखा गया है, बट N160 की ओर देखें तो ये आपको थोड़े से फ्रेश लुक में देखने को मिलेगा। आपको रोबोटिक लुक दिया गया है फ्रंट में। इस जगह पे आपको वाई फंक्शनल प्रोजेक्टर लाइट मिल जाएगा। दोनों साइड आपको LED में DRL लाइट्स का ऑप्शन दिया गया है। ऊपर की ओर देखें तो इंडिकेटर्स आपको हेलोजन बल्ब के साथ ही मिलेगा, बट वहीं आप NS160 की ओर देखें तो इसका भी लुक आपको अच्छा मिलेगा, एग्रेसिव रखे गए हैं, बट ये लुक थोड़े से आउटडेटेड हो गए हैं। देखते देखते ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा आपको बोरिंग फील कराने वाला है। नीचे की ओर देखें तो यहाँ पे आपको हेलोजन बल्ब के साथ ही यहाँ पे आपको पायलट लैंप दिया गया है और इसका आपको हेडलाइट सेटअप फुल्ली हेलोजन बल्ब के साथ देखने को मिल जाएगा। अगर फ्रंट टायर की ओर देखा जाए तो आपको N160 में थोड़े से मोटे टायर मिलते हैं, उसमें आपको 100/80 सेक्शन का दिया गया है। वहीं आप NS160 की ओर देखें तो इसका टायर आपको 90/90 सेक्शन का दिया गया है। इसका आपको फ्रंट डिस्क 260mm का दिया गया है। वहीं आप N160 की ओर देखें तो इसका आपको फ्रंट डिस्क 280mm का दिया गया है। N160 में आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाएगा, बट आप NS160 की ओर देखें तो इसमें आपको सिंगल चैनल ABS ही देखने को मिलेंगे। अगर दोनों ही बाइक के साइड प्रोफाइल की ओर देखा जाए तो दोनों ही बाइक का आप साइड प्रोफाइल देख सकते हैं जो कि आपको मस्कुलर रखा गया है और दोनों ही बाइक का आपको अच्छा लुक देखने को मिल जाएगा। अगर टैंक की ओर देखा जाए तो इसमें आपको टैंक 12 लीटर का मिलता है जो कि आपको टोटली फाइबर बॉडी में ही मिल जाएंगे। और वहीं आप N160 की ओर देखें तो इसमें आपको 14 लीटर का टैंक कैपेसिटी मिल जाता है और इसका जो टैंक मिलता है जो कि आपको टोटली मेटल में ही मिलेंगे। सीट की ओर देखें तो इसका भी आपको सीट स्प्लिट में मिलता है और वहीं आप NS160 की ओर देखें तो इसका भी सीट आपको स्प्लिट में दिया गया है, बट इसका जो पिलियन का सीट है वो थोड़े से ज़्यादा ऊंचाई में देखने को मिलेंगे N160 के मुकाबले में। स्प्लिट में दोनों ही बाइक में आपको ग्रैब हैंडल्स देखने को मिल जाएगा। सीट काउल की ओर देखें तो NS160 और यहाँ पे आप देखें तो आपको N160 का ब्रांडिंग किया गया है। अगर दोनों ही बाइक के इंजन की ओर देखा जाए तो दोनों ही बाइक में आपको इंजन लगभग सेम देखने को मिलेगा। NS160 में आपको 160cc का इंजन मिलता है, बट आपको N160 में आपको 164cc का इंजन मिलने वाला है। इसमें आपको 16 PS का पावर मिलने वाला है, बट वहीं आप देखें NS160 की ओर तो इसमें आपको 17 PS का पावर मिलने वाला है। मतलब कि NS160 में आपको थोड़े से पावर ज़्यादा मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू N160, बट टॉर्क की ओर देखा जाए तो दोनों ही बाइक में आपको टोटली सिमिलर टॉर्क देखने को मिल जाएगा। इस बाइक में आपको किक स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, बट वहीं आप N160 की ओर देखें तो यहाँ पर आपको कोई भी किक स्टार्ट का ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगर दोनों ही बाइक के माइलेज की ओर देखा जाए दोनों ही बाइक में आपको माइलेज अप्रॉक्स 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आराम से देखने को मिल जाएगा। सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड के साथ आपको इंजन आ जाता है जो कि आपको DTSI ट्विन स्पार्क्स के साथ देखने को मिल जाएगा। अगर दोनों ही बाइक के रियर सेक्शन की ओर देखा जाए तो दोनों ही बाइक में आपको रियर टायर जो मिलता है जो कि आपको ट्यूबलेस मिलेंगे, बट वहीं आप NS160 की ओर देखें तो इसका रियर टायर आपको 120 सेक्शन का दिया गया है, बट आप वहीं पे देखेंगे N160 की ओर तो इसका जो रियर टायर मिलता है जो कि आपको 130 सेक्शन का मिलता है। मतलब कि इसका टायर आपको थोड़े से मोटे मिलते हैं, बट जो रियर डिस्क है जो कि 230mm का, जो कि दोनों ही बाइक में आपको सेम साइज़ का डिस्क देखने को मिल जाएगा इसके रियर में। इस बाइक के रियर में आपको RLP सेंसर देखने को मिलेगा जो कि आप यहां से देख पाएंगे और वहीं आप N160 की ओर देखें तो इसके रियर में आपको ABS का ऑप्शन मिल जाएगा जो कि इसका एक एडवांस फीचर्स हो जाता है। और दोनों ही बाइक में आपको टायर हगर का ऑप्शन मिल जाएगा। सारी गियर आपको पहले से ही मिल जाते हैं, चेन आपको टोटली ओपन ही मिलता है और दोनों ही बाइक में आपको 5 गियर का मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाएगा। और दोनों ही बाइक में आपको साइड स्टैंड और मिडिल स्टैंड दोनों ही मिलते हैं और साइड स्टैंड में आपको साइड स्टैंड कटअप सेंसर दिया गया है। इन दोनों बाइक के जो मेन फीचर्स है उसमें आपको डिफरेंस जो है उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ जो कि इसके मीटर कंसोल में होने वाला है। सबसे पहले आप N160 की ओर देखें तो इसका जो मीटर कंसोल मिलता है जो कि आपको सेमी डिजिटल में मीटर कंसोल मिलेगा, जहाँ कि आप देख सकते हैं आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर दिखाने वाला है, आपको टैकोमीटर दिखाने वाला है, आपको स्पीडोमीटर दिखाने वाला है, इधर आपको फ्यूल गेज का ऑप्शन मिल जाएगा, डिजिटल में आपको क्लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे आपको DTE का भी ऑप्शन मिलने वाला है जो कि इसमें आप एक एडवांस फीचर्स दिया गया है। यहाँ पे देखें तो आपको USB चार्जिंग पोर्ट का भी ऑप्शन मिल जाएगा पहले से ही
और ऊपर की ओर देखें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इंडिकेशन दिए गए हैं। वहीं आप NS160 की ओर देखें तो उसमें भी आपको सेमी डिजिटल में मीटर कंसोल मिलता है, बट इसका जो मीटर कंसोल मिलता है थोड़े से पुराने डिजाइन के मिलते हैं, जो कि आप यहाँ से देख पाएंगे। इसे भी एक बार मैं ऑन करके दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये आपका टैकोमीटर दिया गया है जो कि आपको 10,000 RPM पे रेड लाइनिंग कर जाता है। इसमें आपको कहीं भी गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं दिखाने वाला है और ना ही इसमें आपको डिस्टेंस टू इम्पटी का फीचर्स देखने को मिलेगा। स्पीडोमीटर मिल जाएगा, डिजिटल में आपको क्लॉक मिल जाएगा, ओडोमीटर का ऑप्शन मिल जाएगा, ट्रिप वन और ट्रिप टू का ऑप्शन मिल जाएगा, और इधर जो इंडिकेशन दिया गया है जो कि आपको सब इंडिकेशन N160 में भी आपको मिलने वाला है, और यहाँ से आप ट्रिप वन और ट्रिप टू कर सकते हैं और इसे आप सेट और रिसेट कर पाएंगे। और इसमें आपको क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को मिलेगा, और वहीं आप N160 की देखें तो इसमें आपको सिंगल पीस हैंडल बार देखने को मिलेगा। स्विचेस की ओर देखा जाए तो दोनों ही बाइक में आपको टोटली सिमिलर स्विच देखने को मिलेगा। स्विचेस में अभी आपको कोई भी अंतर नहीं देखने को मिलेंगे, माइनर से यहाँ पे आपको स्विचेस में अंतर देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे ये होता है ना कि लाइट को ऑफ करने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा स्विच यहाँ पे नहीं मिलता है, बट आपको N160 में यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा स्विच का ऑप्शन मिल जाता है। अब हम लोग गाइस इन दोनों बाइक के एग्जॉस्ट साउंड को सुनते हैं और आपको भी सुनाते हैं इन दोनों ही बाइक का एग्जॉस्ट साउंड। तो सबसे पहले हम लोग NS160 का सुनते हैं। तो गाइज अभी जस्ट आपने NS160 का इंजन सुना जो कि आपको थोड़े से ज़्यादा रबिंग देखने को मिलेगा, और इसको आपको टॉप एंड में चलाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और वहीं आप N160 का एग्जॉस्ट साउंड को सुने तो ये भी मैं आपको एक बार सुना देता हूँ। तो अभी गाइस जस्ट आपने N160 का एग्जॉस्ट साउंड को सुना जो कि इसमें भी आपको रिफाइनमेंट देखने को मिलेंगे, और इस बाइक को आपको सिटी में राइड करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगर दोनों ही बाइक के प्राइस की ओर देखा जाए तो आपको N160 का आपको ऑन रोड प्राइस 1,57,000 रुपये रखा गया है, और वहीं आप NS160 का ऑन रोड प्राइस की ओर देखा जाए तो इसका आपको ऑन रोड प्राइस 1,55,000 रुपये रखा गया है। मतलब कि देखा जाए तो 2,000 रुपये का अंतर रखा गया है दोनों ही बाइक में। तो अब हम लोग बात करते हैं कि अभी के टाइम पर आपको कौन सा बाइक लेना चाहिए। अगर मेरे हिसाब से माना जाए, अगर आपको थोड़े से मॉडर्न लुक चाहिए, आपको सेफ्टी ज़्यादा चाहिए, आपको टायर थोड़े से ज़्यादा मोटे चाहिए, तब कोर्स आप N160 की ओर जा सकते हैं। और अगर आपको 1 BHP पावर ज़्यादा चाहिए और आपको किक स्टार्ट का भी ऑप्शन चाहिए, तब कोर्स आप NS160 की ओर जा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।